हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कल मैंने मोशन शुरू किया था क्लास नाइन्थ में, पहला लेसन जो होता है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ाया था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था उसमें क्लियर हो गया था, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट इसलिए मैं अलग से नोट्स के लिए आपको इसको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने ये कॉलम बनाया है, एक तरफ ये डिस्टेंस लिखा है, दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट। पहला, डिस्टेंस ही स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, ये समझना जरूरी है। डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है, इसको जरा आप समझिएगा, पॉइंट टू को। मैंने कहा है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है। मान लीजिए ए आपका घर है, होम है, ठीक है, और बी क्या है, आपका स्कूल है, ठीक है। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप घर से स्कूल गए, ठीक, घर से स्कूल गए, ठीक है, और फिर स्कूल से घर रिटर्न आए। ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि आपसे आपका जो घर है, घर पे आने के बाद एक पॉइंट सी है, मान लीजिए ये पार्क है, ठीक है, आप पार्क में चले गए, ठीक है, जो आपके घर से क्या है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो आप पहले एक चीज देखिए कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो कितना होगा। आप अपने घर से शुरू किए, 2 किलोमीटर अपने स्कूल गए, फिर 2 किलोमीटर अपने स्कूल से वापिस आए, ठीक है। तो 2 किलोमीटर गए, फिर 2 किलोमीटर आए, ठीक है, और फिर 1 किलोमीटर पीछे आप पार्क में चले गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 1 कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना हुआ, 5 किलोमीटर का हुआ। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज का कि ए आपका क्या है, इनिशियल पोजिशन है, हमने इसको इनिशियल पोजिशन माना है, ठीक है, और बी क्या है, फाइनल पोजिशन है, ठीक है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो आप 2 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर आए, ठीक है। अब आप अपने इनिशियल पोजीशन से पीछे जा रहे हैं ना, देखिए इनिशियल पोजीशन से क्या, और आप पीछे जा रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट चूंकि इनिशियल पोजीशन से पीछे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल पोजीशन के जो लेफ्ट में जो होगा डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। जैसे आप नंबर लाइन पढ़े होंगे तो नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में 0, राइट हैंड साइड में प्लस नंबर होता है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तीसरा चीज है, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अब पॉइंट 3 को समझना है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। इसको कैसे समझेंगे, बिल्कुल एक पॉइंट ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं। ये मान लीजिए आपका होम है, ठीक है, और ये आपका क्या है, स्कूल है, ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है, ठीक है, आप स्कूल गए, ठीक, और फिर स्कूल खत्म होने के बाद घर आए, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस जो आपने ट्रेवल किया 2 किलोमीटर गए फिर 2 किलोमीटर आए, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। और अगर मैं कहूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, आपका घर है, ठीक है, और फाइनल पोजीशन क्या है, कहां पे आप जा रहे हैं, स्कूल, ठीक है। तो आप जहां से शुरू हुए थे, ठीक है, घर से गए स्कूल और फिर स्कूल से घर आ गए, ठीक है, तो वहीं पे आ गए ना, ठीक है, तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, 2 किलोमीटर गए 2 किलोमीटर चले आए, मतलब जहां से आप गए वहीं पे फिर आ गए, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन भी आपका होम है और फाइनल पोजीशन भी क्या है, होम है, ठीक है।
डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, -1 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस 4 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। कुछ एक इसमें आपको एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि मान लीजिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि ए मैन गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। और मैं कहूं कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आपसे मैं कह रहा हूं कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या करिए, फाइंड करिए, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यही होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं जहां से कोई भी बॉडी या कोई आदमी या कोई भी चीज जो मोशन में चलना शुरू करती है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ए मैन गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एक आदमी 3 किलोमीटर ईस्ट जाता है, ठीक है। मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ए है और ये 3 किलोमीटर क्या हुआ, ईस्ट में गया, ये क्या है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है, एंड देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अब यहां से ये 4 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। अब नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन है, ये हुआ, ये 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया, मान लीजिए पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कोई भी बॉडी जितना चलती है उस रास्ते की लंबाई, उस पाथ का जो लेंथ होता है वो उसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर इधर गया, 4 किलोमीटर इधर गया, तो 3 और 4 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इस आदमी ने कितना चला, 7 किलोमीटर का चला, ठीक है। और अगर इससे बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इसका देखिए इनिशियल पोजीशन क्या है, ये है, ये है, इनिशियल पोजीशन इसका हो गया, ठीक है। और उस आदमी का फाइनल पोजीशन क्या है, सी है, ठीक है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए और सी के बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा ना, ए सी, ठीक है। और देखिए अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ये एंगल क्या डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होगा, अंडर रूट 25, तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो इस आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने बताया कि समझ में आ गया होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन में भी क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं लिखा हूं कि ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एक बॉडी है एक सर्कुलर पाथ पे, सर्किल आप समझते हैं ना, एक सर्किल में क्या हो रही है, घूम रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके द्वारा जो डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल हो रहा है उसको फाइंड करना है, और उसमें कंडीशन क्या दिया है, वन रिवोल्यूशन मतलब पूरा एक चक्कर, दूसरा है हाफ रिवोल्यूशन, हाफ मतलब आधा चक्कर में, ठीक है, और क्वार्टर रिवोल्यूशन मतलब कि 1/4 या 1/4 रिवोल्यूशन में, ठीक है। तो देखिए मैं इसको पहले बना रहा हूं, एक मैं सर्कुलर पाथ बना रहा हूं, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ का सर्किल क्या होता है, सर्किल में एक सेंटर होता है और इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक। अब इसमें हम अलग अलग तीनों कंडीशन को देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो है इसमें क्या दिया हुआ, वन रिवोल्यूशन, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इन वन रिवोल्यूशन, ठीक है। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस क्या होगा, देखिए अब जैसे मान लीजिए बॉडी जो है ए पर है, ठीक है, और एक चक्कर लगाने का मतलब क्या होगा कि
कि बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया और घूम करके फिर अपने इसी पॉइंट पे आ गई। इसी को ना एक चक्कर बोलेंगे, यहां से शुरू हुआ फिर अपने जो है उसी जगह पे आ गई। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहां से लेकर के यहां तक? तो आप जानते हैं कि जब सर्कुलर पाथ पे कोई डिस्टेंस कोई एक चक्कर लगाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। ठीक है, जब हम सर्किल पे चलते हैं तो एक चक्कर में हम उसके सर्कमफेरेंस के बराबर चलते हैं, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr। अगर बात करें इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अब एक चक्कर जब बॉडी लगाएगी तो इसका इनिशियल पोजीशन भी ए है, और जब घूम के फिर यहीं पे आ जाएगी ना तो फाइनल पोजीशन भी ए हो जाएगा, मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पे आ गया, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डिस्कस करते हैं, दूसरा क्या है, हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है, हाफ रिवोल्यूशन मतलब आधा चक्कर। ठीक है, अब देखिए सर्कल हो, सर्किल हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए बॉडी ए पर है, ठीक है ना, तो हाफ रिवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आधा चक्कर बॉडी ए से चलना शुरू की और बी पर आई, तो देखिए आधा रिवोल्यूशन हुआ ना। ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, आर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस। तो पूरा चक्कर लगाने में सर्कमफेरेंस के बराबर चल रही है, तो आधा चक्कर में हाफ रिवोल्यूशन में क्या होगा, सर्कमफेरेंस का आधा हो जाएगा, सर्कमफेरेंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्किल का 2πr डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, πr। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ये बॉडी का इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और बी क्या है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब जरा आप बताइए कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ए बी होगा, और ए बी किसके बराबर है, इस सर्किल के डायमीटर के बराबर है ना, और डायमीटर क्या होगा, ये आर और ये आर, आर में आर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, या ये हो जाएगा 2r। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो गया, 2r हो गया। ठीक है, तीसरा चीज आते हैं क्वार्टर रिवोल्यूशन, क्वार्टर रिवोल्यूशन। ठीक है, क्वार्टर रिवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, एक चौथाई चक्कर। ठीक है, एक चौथाई का मतलब क्या हुआ, देखिए जरा आप, ठीक है, ये हुआ मान लीजिए ए से चलना शुरू की और बॉडी कहां पे पहुंच गई, बी पर पहुंच गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1/4 इसका हो गया, ये इसका रेडियस है। ठीक, तो अगर हम बात करें डिस्टेंस का, तो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इसमें, देखिए डिस्टेंस क्या हुआ, ए से बी तक जा रही है ना, मतलब पूरे सर्कमफेरेंस का एक चौथाई जा रही है, 1/4 जा रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस और डिवाइडेड बाय 4, तो सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr और डिवाइडेड बाय 4, तो 2 × 2 = 4, तो डिस्टेंस कितना हो गया, πr/2 हो गया। ठीक है, और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब देखिए क्वार्टर रिवोल्यूशन में या 1/4 रिवोल्यूशन में या कह सकते हैं एक चौथाई चक्कर में इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, दिस इज इनिशियल पोजीशन, इनिशियल, और बी क्या है, फाइनल। ठीक है, ये फाइनल पोजीशन, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ए बी, मिनिमम डिस्टेंस यही होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी होगा। अब बात आती है कि ए बी कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये भी 90° का है। ठीक है, ए बी निकालने के लिए, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर, अब ओ ए और ओ बी है क्या, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, आर के बराबर है, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर हो गया
आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा टू आर स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू हो गया अंडर रूट टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट टू हो गया, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया अंडर रूट टू आर हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ और ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन क्लियर होगा, हो गया होगा। अब आगे जो टॉपिक है वो है स्पीड। अब हम स्पीड को डिस्कस करते हैं। स्पीड क्या होता है, देखिए जब बाइक चलाते हैं या कोई गाड़ी में बैठे रहते हैं तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, क्यूरियोसिटी कि किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, 40 पे चल रही है, 60 पे चल रही है, वही स्पीड होता है। अगर कोई गाड़ी अब 60 की स्पीड पे चल रही है इसका मतलब कि वो एक घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है कोई बॉडी उसी को क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे आप 2 घंटे में 100 किलोमीटर जाते हैं, 2 घंटे में कितना जाते हैं 100 किलोमीटर जाते हैं, तो मैं कहूँ 1 घंटे में कितना जाएंगे, तो आपका सीधा आंसर होगा 50 किलोमीटर। तो 1 घंटा यूनिट टाइम हुआ, 50 किलोमीटर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका स्पीड कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, अब देखिए डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो स्पीड का जो यूनिट होता है SI यूनिट, जो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, इसको एम बाई एस भी लिखा जाता है। ठीक है, स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब स्पीड को कभी भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके साथ डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, स्पीड का जो दूसरा यूनिट जिसको नापा जाता है वो किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में भी नापते हैं। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में कई जगह हमको क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया रहता है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहता है, और मीटर पर सेकंड में दिया रहता है तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना रहता है। ये सवाल है, जब सवाल आएगा न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली एक चीज जान लीजिए, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है, उसको आपको कन्वर्ट किसमें करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक, इसके उल्टा अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट स्पीड। उसके बाद है वेलोसिटी। तो जैसे स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, ठीक उसी तरीके से वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी यूनिट वही होता है जो क्या है, स्पीड का है, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, तो जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था तो स्पीड क्या हुआ, स्केलर हुआ, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब बात आती है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए जो मैंने आपको डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताया था बिल्कुल वही सेम डिफरेंस जो है स्पीड और वेलोसिटी का भी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड क्या है, स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। स्पीड जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है। क्यों निगेटिव हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो चूंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है इसलिए डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जो जैसे डिफरेंस आपने नोट किया होगा स्पीड और सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, बिल्कुल उसी तरीके से आप स्पीड और वेलोसिटी का भी डिफरेंस लिख लीजिएगा। देखिए जहां पे डिस्टेंस है, जब आप डिफरेंस उसका लिखेंगे, जहां पे डिस्टेंस लिखा है आप उसको स्पीड कर दीजिएगा। ठीक है, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वहां पे आप क्या कर दीजिएगा, वेलोसिटी कर दीजिएगा, बस। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्पीड और वेलोसिटी। आपको वीडियो कैसा लगा इसको बताएंगे, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करिए,
और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।